क्या आपको पता है कि हमेशा रिंग को लेफ्ट हैंड के फोर नंबर फिंगर में क्यों पहनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि द किस ऑफ द लाइफ किसे कहा जाता है? और एक ऐसा होटल बन रहा है जो ना ही जमीन पे है और ना ही आसमान में है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आप इस वीडियो में फैक्ट नंबर 15, रैंडल चैंपियन नाम के एक आदमी जो कि पोल पे चढ़ के तार को कुछ बना रहे थे उसमें, तभी उनको इतना जोर से शॉक लगा कि वो तुरंत ही नीचे गिर गए और उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया। तभी उनके साथ जो उनका दोस्त था जेडी थॉमसन नाम के, उन्होंने क्या किया कि कुछ इस तरह करके उनकी जान बचाई। तभी इसी इमेज को और इसी चीज को हम लोग द लाइफ ऑफ किस के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि वोडाफोन किस देश का कंपनी है? आप ऐसे कितने लोगों को ये वियर्ड सा फैक्ट लगता होगा, लेकिन हम लोग को बहुत पहले से लगता था कि ये इंडियन कंपनी है, लेकिन नहीं, वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी है। फैक्ट नंबर 13, जो धीमक होता है ना, जो लकड़ी खाता है, अगर वो कोई लकड़ी खा रहा है और आप वहीं पे अगर डीजे वाला सॉन्ग बजा दें तो वो 3 गुना स्पीड से लकड़ी खाना शुरू कर देगा। और खास करके अगर आप ये गाना बजाएं, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं कर रहा था, ये गाना पे नहीं, सब गाना पे वो बहुत तेजी से लकड़ी खाना शुरू कर देगा। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि जो मधुमक्खी होती है वो हमें जब डंक मारती है तो कुछ देर के बाद वो मर जाती है, क्योंकि जो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो खुरदुरा टाइप होता है, और जब वो हमें डंक मारती है तो उसका डंक हमारे शरीर में आसानी से चल जाता है, लेकिन वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। आप उसके डंक को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये इमेज देख सकते हैं कि किस तरह का उसका डंक है। ये ग्रीप की वजह से उसका डंक बाहर नहीं निकलता है और उसी की वजह से उसका डंक टूट जाता है और वो कुछ देर के बाद मर जाती है। आप नोटिस भी किए होंगे कि जब भी आप मधुमक्खी आपको काटती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका डंक निकलता है। फैक्ट नंबर 11, अगर आपको कम खर्चे में विदेश घूमना है तो आप वियतनाम एक जगह पे जा सकते हैं। वहाँ पे भारत का 100 रुपया वहाँ पर 31,570 रुपया के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 10, चांद पे इंसान को भेजना और ओसामा बिन लादेन को मारने में एक ही समय और उतना ही पैसा लगा था। उसको मारने में 10 साल और 100 बिलियन डॉलर लगा था, जो कि इंडियन करेंसी में 70,000 करोड़ रुपया होता है। फैक्ट नंबर 9, जो क्लोरोफॉर्म होता है जिसे इंसान सूंघकर तुरंत बेहोश हो जाता है, इसका रियल रीजन होता है कि जब इंसान को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है तो उसको बेहोश होने में 6 से 7 मिनट लगते हैं, ना कि 10 सेकेंड जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में एक ऐसा दुर्लभ खून है जिसका नाम RH नल ब्लड है, और ये ब्लड इतना ज्यादा रेयर है कि 10 करोड़ में किसी एक व्यक्ति के पास में भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। और इस ब्लड का ग्रुप नेम है गोल्ड ब्लड, इसे कहा भी जाता है और इसका नेम भी है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी झंडा बनाने का रिकॉर्ड है, और इस झंडे को बनाने में 43,830 लोग लगे थे, तब ये झंडा जाके पूरा कंप्लीट हुआ था और एक रिकॉर्ड बनाया था। फैक्ट नंबर 6, एंड्रयू एस्टेंडर नाम का एक साउथ अफ्रीकन पुलिस वाला था, और उसने अपने लॉन्च के बगल में एक बैंक को लूट लिया था। पुलिस वाला होके भी एक बैंक को लूट लिया था, और हद तो तब हो गई कि उस कल होकर वो उस बैंक में गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के और उस बैंक में छानबीन करना शुरू कर दिया। और ये जो इस आदमी का जो कहानी है ये साउथ मूवी से कुछ रिलेटेड है। और इस फैक्ट से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये जो कहानी है ये बॉलीवुड मूवी के लोग बहुत अच्छे से लेते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसा होटल बन रहा है जो ना ही जमीन पे है और वो ना ही आसमान में है, वो होटल स्पेस में बन रहा है, और ये होटल का ओपनिंग 2027 में होने वाला है, और इसमें से आप सब वैकेशन पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने में खर्चा भी कम नहीं लगेगा। यहाँ पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि मुकेश अंबानी की तरह करोड़पति हो। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में एक जगह है फोर कॉर्नर नाम का, और वहाँ पे जो इंसान खड़ा रहता है वो दरअसल 4 राज्य में खड़ा होता है अमेरिका के। फैक्ट नंबर 3, हम बचपन में कभी भी पेंट करते थे तो हम रेड और येलो को मिलाते थे तो ऑरेंज कलर बनता था, ऐसे हम जितने भी कलर को मिलाते थे वो नया नया कलर बनता था,
लेकिन क्या आपको पता है कि जितना भी कलर है उसको अगर हम मिला देंगे तो वो कौन सा कलर बनेगा? वो उजला कलर बन जाएगा। फैक्ट नंबर टू, ये फैक्ट बताने से पहले आप ये इमेज देख लीजिए, और ये जो इमेज आपको दिख रही है इस व्यक्ति का नाम वाल्वो एस्कोबर है। इस व्यक्ति की एक बेटी थी और इसको खूब ठंड लग रही थी, तो इस आदमी ने $2 मिलियन को आग में डाल दिया ताकि उसकी बेटी आग ताप सके। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये आता होगा कि ये आदमी $2 मिलियन को आग में डाल सकता है तो ये कमाता कितना होगा। ये बल्कि एक अपराधी था और इसने इसका जो जितना संपत्ति था वो $45 बिलियन से भी ज़्यादा था। फैक्ट नंबर वन, आप देखे होंगे कि जब भी एंगेजमेंट होता है तो जिसे रिंग पहनाया जाता है वो लेफ्ट हैंड के 4th नंबर वाले फिंगर पे पहनाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ये जो इसका नस होता है वो डायरेक्ट जाके हार्ट से मिलता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है या फिर ऐसा पहनाया जाता है उसी उंगली में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।